क्या नहीं खाता, काटता नहीं हूँ। हेलो गौरव, आशा, तो आज संडे है, थोड़ी सी भीड़ देखने को आपको मिल सकती है, थोड़ी सी भीड़ देखने को आपको मिल सकती है। आप इनको खाने के लिए दो तो खाते रहते हैं। हेलो सभी को राम राम। तो जैसा कि हमने रोनित ने एक वीडियो में वादा किया था कि हम आपको तिलियार का जू दिखाएंगे, तो फाइनली वो आज दिन आ गया है और हम तिलियार जू पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वही घर से 10 मिनट की दूरी पे है। ये इस तरफ रिजोर्ट है, वो एंट्रेंस है और ये जू की एंट्रेंस है। तो आज संडे है, थोड़ी सी भीड़ जू की। ये गेट बनाया हुआ है बहुत अच्छा। और हेलो, तो तक हाँ भाई, क्या कहोगे जू के बारे में बताओ, अपने सब्सक्राइबर को बताओ। ये बहुत अच्छा जू है, इसमें हम बहुत बार आ सकते हैं। गर्मियों में मत आना क्योंकि ये सारे जानवर अंदर रहते हैं, सर्दियों में या फिर ये ऐसे बारिश के मौसम में बाहर रहते हैं ज्यादातर। जैसे ये जय हिंद जय भारत। ये टिकट काउंटर, टिकट कर तो बड़ा सस्ता ही जू है भाई, 30 रुपए की टिकट है, बड़ों की 10 है। टिकट दिखा दो भाई। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है, इन चार ऑस्ट्रिच है, ब्लैक ब्लैक वन क्या होगा। आप इनको खाने के लिए दो तो खाते रहते हैं। रखिए, यहाँ सुंदर हट है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है रेगुलर, आप इस पे बैठ सकते हो, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। एरिया अच्छा है, शांत है, और ये रोनित मस्ती कर रहा है। रोनित, तो ऑस्ट्रिच कैसे लगे? अच्छे, मैंने खाना ही खिलाया, हाथ काट लिया। और ये नॉन उधर तो सो सकता है कितना बड़ा कैसे पूरा एक था, इतना बड़ा उनका। कौन सा, किसका? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का एक था, कितना बड़ा एक था? इतना बड़ा था। मैं सागर और बाघ, बाघ सागर और बाघिन आशा। तो ये सागर का साइज बड़ा है, हैं आशा है। ये देखिए, बिल्कुल सामने आ गया हमारे आशा। कि मैं आ गई बाहर तो निराशा। आ जा भाई आशा, आ जा, बहुत बढ़िया। एक बार आशा। तो भाई बाघ को देख के आप लोगों को कैसा लगा? बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। कैसा लगा ये बाघ को देख के? हम आपको ये शेरनी और दिखाते हैं भाई। ये सामने शेरनी है, रश्ट के पूरे मूड में है भाई। पूछ रहा सारे एनिमल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो विंटर्स का टाइम है, सब बाहर हैं तो सबको धूप चाहिए होती है, और दूसरा बस दूसरा अब नया जू बन रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है। ये बच्चा गिर गया। ये देखो भाई, वाइट टाइगर। वाइट टाइगर वो भी दिखाऊंगा, के वक्त दिखाइए। ये देख, और क्या नहीं खाता, काटता नहीं हूं, खा लेते हैं। मम्मी बोल रही है ये क्रोकोडाइल का भाई एनक्लोजर है, क्रोकोडाइल लिखा हुआ है। वन्य प्राणी है या मांसाहारी है तो ये आपको खा सकता है। बिल्कुल, तो मुंह खोल के बैठा है भाई।
और कुछ इस तरह छाव में एक ये। अच्छा। रोने तो मना कर रहा था भाई। क्या मना कर रहा था? कि मेरे को नहीं जाना। मैंने कब बोला? बोला था। गौरव कैसा लगा भाई? ठीक लगा, काफी बहुत ज्यादा एनिमल्स दिखे, वरना दिखते नहीं है। सर्दी में ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ भाई कैसा लगा? सर्दी में बाहर निकले हुए, वरना अंदर होते थे सारे। अच्छा, पक्की बात है। ये देखिए लंगूर महाराज, ले हेलो हेलो। तो कभी आइए रोहतक में परिवार के साथ, देखिए आपको अच्छा लगेगा। शांत इलाका है और घूम के जाइए। ये अपना लेपर्ड है, तीन लेपर्ड हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं लेपर्ड दिखाता हूँ आपके। दिल्ली से हार्डली 70 किलोमीटर दूर है, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। और कभी संडे के दिन आइए, यहाँ पे झील भी है, बोट भी, बोटिंग कर सकते हैं आप। शिकार करने के चक्कर में ये देखिए बिल्कुल पास से लेपर्ड। ये देखिए जू की यात्रा भाई यहीं तक, यात्रा कह लो या जो आपका मन करे वो कह लो। यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। गौरव ये देखिए टॉय ट्रेन, ये भाई व्हील है, जॉइंट व्हील तो नहीं रहते पर व्हील है झूला। और एक ये है, और एक ये है। सोने तो बंजिंग जंप के लिए तैयार होता है, जा चला जा। अब इसने एंजॉय शुरू कर दिया है, एक बार रोने के बाद अब ये ठीक मूड में है। हेलो हेलो गौरव, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है क्या गौरव? तो ये पार्ट खत्म होने के बाद मैं आपको अब ले चलता हूँ झील की तरफ, लेक क्लियर लेक। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस था? पेट भर गया। क्या हो गया? गुदगुदी हुई थी। है आसमान में उड़ रहा था। आसमान में क्या, कहाँ पे उड़ रहा है? ये यहाँ बोटिंग है और ये अपना लेजर लाइट फाउंटेन शो है जो नाइट में होता है। और ये अपने कैफे है, देखिए इतना प्यारा व्यू है। क्या करोगे उस साइड? हेलो गौरव। तो भैया दो तीन आइलैंड है यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे, ये है एक, ये है और एक आपके पीछे है। तो ये दो तीन आइलैंड है आपके, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। लोग भाई यहीं तक था, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और मैं नई नई डेस्टिनेशन पे आप लोगों के लिए चीज़ें बनाता रहूँ। आइएगा ज़रूर कभी टाइम निकाल के यहाँ पे, संडे को आएंगे तो रौनक रहेगी। बाय, टेक केयर, एनिमल्स से बाय बाय।
जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम।